प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल को जहां बीजेपी बेमिसाल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। हमीरपुर में एक साल के कार्यकाल को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सेवा दल के जिला संयोजक मदन लाल कौंडल ने एक साल को बेकार करार दिया है और एक साल के दौरान कांग्रेस के करवाए गए कार्यो के ही सीएम ने उद्घाटन किए हैं। वहीं एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने एक साल कार्यकाल को बेमिसाल बताया है और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस सेवा दल के संयोजक मदन लाल कौंडल ने कहा कि बीजेपी के एक साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुए हैं और केवल मात्र कांग्रेस सरकार के समय में हुए कार्यों के उद्घाटन ही सरकार ने किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही है और केवल मात्र अपने नाम के ही पटिकाएं चिपकाने में सरकार मस्त है। यहाँ पर कोई बीजेपी नाम की कोई सरकार नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो जैसे भी जो कोई दुर्घटना किए जा रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम के जो पैसे जो मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो दिए थे वहाँ के जो मतलब लगाए गए थे मंजूर हुए थे वो उसके लिए जो ये अपने जो पट्टियां लगा रहे हैं वहाँ पर नाम पट्टिका लगा रहे हैं। तो आज की डेट में जयराम सरकार जो यहाँ से बिल्कुल भी पता लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार है ये नहीं है। यहाँ पर हर दिन दिहाड़े यहाँ पर मौतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, मतलब काफी ज्यादा जो है कि इसके बीच जो कभी अभी जैसे ये एक साल हुआ पूरा हुआ यहाँ पर तो ये अपने बीजेपी को तो कांग्रेस के टाइम लोगों को फिर याद करने लग पड़े एक महीने के एक साल के बीच। यहाँ पर जैसे अब तीन स्टेटों में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने फिर से जिताया है तो ऐसे ही 2019 का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें हमारे माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आज से हम सेवा दल वालों ने ये प्रण कर रखा है यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में, अनुराग शर्मा जो सेवा दल के अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास लिखने जा रही है। चारों की चारों सीटें जो कांग्रेस की पार्टी की जोड़ी में डालने जा रहे हैं हमें। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप जड़ा है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से निकम्मा रहा है और इसी कारण कांग्रेस एक साल के कार्यकाल के दिन अपने दिनों को याद करके निकम्मा दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है कि झूठ की राजनीति न करें और बीजेपी के कामों में अड़ंगा न अड़ाएं। कांग्रेस ने हमेशा ही केवल और केवल झूठ की राजनीति की है और पिछले 5 वर्षों तक जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी विकास के नाम पर कोई नई योजना इस प्रदेश के अंदर शुरू नहीं की गई और कांग्रेस अपने आप पूरे 5 वर्ष तक निकम्मी रही और शायद वही याद करते हुए इस दिवस को भी निकम्मे दिवस के रूप में मनाना चाहती है। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है वर्तमान भाजपा सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है और जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में किए थे लगातार उनको नीतिगत दस्तावेज बनाते हुए विभिन्न योजनाएं जो हैं इस प्रदेश में शुरू की जा रही हैं और विकास का एक नया अध्याय इस प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ वो इस प्रकार की झूठ की राजनीति ना करें और विकास में वर्तमान सरकार का रचनात्मक सहयोग करने का प्रयास करें।